हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ द थिंग्स विंग्स डू। थिंग्स होती हैं चीज़ें, विंग्स होते हैं पंख, डू होता है करना, वो चीज़ें जो पंख करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। वी सी इंसेक्ट्स ऑल अराउंड अस। हम अपने इर्द गिर्द इंसेक्ट्स को देखते हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव, जैसे बटरफ्लाइज, हनी बीज, लेडी बग, स्नेल एक्सेट्रा। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट इंसेक्ट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ विंग्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अलग अलग इंसेक्ट्स के अलग अलग पंख होते हैं? कलेक्ट पिक्चर ऑफ फ्यू इंसेक्ट्स एंड ऑब्जर्व देयर विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स की पिक्चर कलेक्ट करिए और उनके विंग्स को ऑब्जर्व करिए। टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन द विंग्स ऑफ दीज इंसेक्ट। फिर बात करिए अपने क्लास में कि उनमें क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंस है इंसेक्ट्स के विंग्स में। हर इंसेक्ट्स की अलग अलग विंग्स शेप होती है, कलर्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, ठीक है, आपको वही ऑब्जर्व करना है। देन इंसेक्ट्स हैव विंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट यूजेस। इंसेक्ट्स के अलग अलग शेप्स और कलर के विंग्स होते हैं, यानी पंख होते हैं, और उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। यूजेस यानी काम होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव टू पेयर्स ऑफ विंग्स। ज़्यादातर इंसेक्ट के दो पेयर होते हैं विंग्स के। जैसे आपको पिक्चर में हनी भी दिख रही है, दो पंख है ना इसके अलग अलग, एक साइड पर दो, दूसरी साइड पर दो। वैसे ही मोस्ट जो इंसेक्ट हैं, ज़्यादातर उनके दो दो पंख होते हैं दोनों साइड पर, विथ वन पेयर बिहाइंड द अदर, एक के पीछे दूसरा। दीज विंग्स आर यूज फॉर फ्लाइंग। इन पंखों का काम होता है उड़ने के लिए। दे हेल्प एन इंसेक्ट इन अदर वेज। और ये इंसेक्ट्स की मदद करते हैं अलग तरीके से भी। टू फ्लाइंग मतलब उड़ना। हाउ फास्ट कैन एन इंसेक्ट फ्लाई। एक इंसेक्ट जो है वो कितना तेज उड़ सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड स्पीड ऑफ द विंग्स। ये सारा किस पर निर्भर होता है कि उनका जो विंग्स का साइज़ है वो कितना बड़ा है और उनकी स्पीड कितनी है, क्षमता कितनी है उनकी उड़ने की। हाउस फ्लाइज कैन गो फास्ट बिकॉज दे हैव स्मॉल विंग्स दैट फ्लैप क्विकली। जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो बहुत तेज़ उड़ सकती हैं क्योंकि उनके जो पंख हैं वो छोटे छोटे होते हैं जो जल्दी से इधर उधर टर्न हो सकते हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर हनी बीज। जैसे हाउस फ्लाइज हैं वैसे ही हनी बीज भी हैं। अ हनी बी कैन फ्लैप इट्स स्मॉल विंग्स 225 टाइम्स। एक जो हनी बी है वो अपने पंखों को गोल गोल घुमा सकता है, तोड़ मड़ोड़ सकता है 225 टाइम्स इन ईच सेकेंड। एंड इट कैन फ्लाई 22 किलोमीटर्स इन एन आवर। वो 22 किलोमीटर्स तक उड़ सकता है एक घंटे में। इजंट इट फास्ट फॉर एन इंसेक्ट। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एक इंसेक्ट के लिए? बिकॉज 22 किलोमीटर्स बहुत दूर होता है और जो हनी बीज हैं वो बहुत स्मॉल सा इंसेक्ट होता है, लेकिन वो एक घंटे के अंदर इतने दूरी, इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। बट बटरफ्लाइज ड्रिफ्ट फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर। लेकिन जो बटरफ्लाइज यानी तितलियां हैं वो एक फूल से दूसरी फूल तक जाती हैं। दे फ्लैप दे ब्रॉड विंग्स स्लोली। वो अपने बड़े बड़े पंखों को बहुत धीरे से उड़ाती हैं। समटाइम्स दे ग्लाइड विदाउट फ्लैपिंग एट ऑल। कई बार तो वो उड़ जाती हैं बिना उन्हें ज़्यादा उड़ाए। दीज बिग विंग्स कुड ब्रेक इट इफ़ द बटरफ्लाई फ्लैप्ड एज हार्ड एज अ बीडस। ये बटरफ्लाइज के पंख जो हैं ये टूट सकते हैं अगर जो बटरफ्लाई है उसे ज़ोर से फड़फड़ाना स्टार्ट करेगी एक हनी बी की तरह। हार्ड कवरिंग। हार्ड कवरिंग मतलब सख्त आउटर कवरिंग इंसेक्ट की। विंग्स आर नॉट जस्ट फॉर फ्लाइंग्स। विंग्स सिर्फ उड़ने के लिए नहीं होते। इनफैक्ट अ बीटल्स फ्रंट विंग्स आर नॉट फॉर फ्लाइंग एट ऑल। एक जो बीटल है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है बटरफ्लाई के नीचे, जो उसके फ्रंट विंग्स आगे के पंख हैं वो उड़ने के काम नहीं आते। दीज टू विंग्स आर हार्ड। ये विंग्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। वैन द बीटल रेस्ट और वॉक्स। जब जो एक बीटल है वो रेस्ट करता है या चलता है, इट कवर्स इट्स सॉफ्ट बॉडी लाइक टू पीसेस ऑफ अ नटशेल। वो अपनी बॉडी को ऐसे कवर करता है जैसे नटशेल हो। जैसे मूंगफली अंदर होती है और उसका बाहर कवर होता है ना, वैसे ही वो अपने आप को कवर करता है।
These wings help protect the beetle from being eaten by birds. ये हार्ड कवरिंग जो है ये इस इंसेक्ट को बचाती है कि उसे पक्षी ना खा सकें. When the beetle flies, जब बीटल उड़ता है, it holds its front wings out to the sides. वो अपने आगे की टांगों को होल्ड कर लेता है अपनी पीछे की टांगों से. With its hard wings out of the way, अपने हार्ड विंग्स से, the beetle can fly with its small back wings. जो बीटल है वो उड़ता है अपने पीछे के छोटे छोटे पंखों से. Then colors for hiding, अलग अलग रंग छुपने के लिए. Hiding होता है छुपना. Some wings have colors and patterns that make the insect hard to be seen. Colors होते हैं रंग, patterns होते हैं design. कुछ wings ऐसे होते हैं जिनके colors और designs ऐसे होते हैं कि जो insect हैं वो easily कहीं भी छुप जाते हैं. जैसे कुछ green insect होते हैं वो grass में छुपेंगे तो हमें इतनी जल्दी थोड़ी पता चलेगा कि ये insect है, because वो भी green है और grass भी green है. इसलिए कुछ patterns और colors ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम इजीली इंसेक्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. दिस विंग्स लुक सिमिलर टू द प्लेसेस वेयर द इंसेक्ट रेस्ट. ये बिल्कुल वैसा लगता है इंसेक्ट के विंग्स, इंसेक्ट के कलर, जैसे जिस जगह पे वे रेस्ट कर रहा हो. व्हेन द क्रिएचर होल्ड स्टिल, इट डज नॉट लुक लाइक एन इंसेक्ट. जब कोई इंसेक्ट दिखता है तो वो बिल्कुल सेम कलर का होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. इट लुक्स लाइक अ लीफ और अ स्टोन और अ पीस ऑफ बार्क. वो या तो एक पत्ता जैसा लगता है, या तो एक पत्थर जैसा लगता है, या तो पेड़ की टहनी जैसे लगता है. वो अपना कलर जो है वो वैसे चेंज कर देता है. द कलर्स हेल्प द इंसेक्ट हाइड फ्रॉम एनिमल्स दैट माइट ईट इट. ये कलर्स उन इंसेक्ट्स की मदद करते हैं उनसे छुपने के लिए जो उन्हें खा सकते हैं. दिस काइंड ऑफ कलरिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लैग. और इन रंगों को जिसकी वजह से इंसेक्ट जल्दी पहचान में नहीं आते हैं, इस चीज़ को कैमोफ्लैग कहा जाता है. ग्रास हॉपर हैव कैमोफ्लैग. जो ग्रास हॉपर होता है वो कैमोफ्लैग होता है. व्हेन दे सिट ऑन प्लांट्स, जब वो पौधों पे बैठता है, देयर विंग्स लुक लाइक द लीव्स अराउंड देम. तब वो बिल्कुल पत्तों की तरह लगता है जो उसके इर्द गिर्द होते हैं. सम मॉथ्स हैव विंग्स दैट लुक लाइक ट्री बाग. कुछ मॉथ्स के जो पंख हैं वो बिल्कुल ट्री बाग यानी तने की तरह लगते हैं. दे कैन रेस्ट ऑन ट्रीज विदाउट बींग फाउंड. वो पेड़ पे रेस्ट करते हैं और उन्हें कोई देख भी नहीं पाता. उनका ऐसा कलर होता है, लगता ही नहीं है कि इस पे इंसेक्ट बैठा हुआ है. देन ब्राइट कलर्स. ब्राइट कलर्स होते हैं डार्क कलर्स, डार्क रंग. सम इंसेक्ट डू नॉट हाइड एट ऑल. कुछ इंसेक्ट जो हैं वो खुद को नहीं छुपा सकते. इंस्टेड देयर विंग्स हैव ब्राइट कलर्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम फार अवे. लेकिन उनके पंख इतने डार्क से होते हैं कि हम उन्हें दूर से भी देख सकते हैं. एज अ कलर्स वॉर्म वर्ड, जैसे कि वॉर्म वर्ड्स का कलर होता है, दैट द इंसेक्ट आर नॉट गुड टू ईट. जो खाने के लिए बर्ड्स के लिए अच्छे नहीं होते, क्या? वॉर्म वर्ड्स. साइंटिस्ट से दीज विंग्स हैव वार्निंग कलर्स. साइंटिस्ट कहते हैं इन पंखों को वार्निंग कलर्स भी कहा जाता है. द विंग्स ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई हैव वार्निंग कलर्स ऑफ ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक. जो एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है उसके विंग्स कैसे होते हैं? डार्क कलर्स के होते हैं, जैसे ऑरेंज, ब्लैक, जैसे आपको पिक्चर में दिख रही है. अ बर्ड माइट ईट वन ऑफ दीज बटरफ्लाईज. एक जो पंक्षी है वो इस बटरफ्लाई को ईजिली खा सकता है क्योंकि इनके कलर्स जो हैं वो दूर से ही दिखते हैं. बट आफ्टर द बैड टेस्ट ऑफ दैट मील, लेकिन इनका स्वाद अच्छा नहीं होता है और पंक्षियों को ये स्वाद इनका अच्छा नहीं लगता. द कलर्स वॉर्न द बर्ड नॉट टू ईट अनदर वन. तो जो एक बार बर्ड्स खा लेती हैं, आफ्टर उनको पता लग जाता है कि ये वाली स्पीशीज़ जो है ये टेस्टी नहीं है, तो इनके कलर की वजह से जो बर्ड्स हैं इनको इग्नोर करते हैं, बिकॉज उनको पता चल जाता है कि इनका कलर अच्छा नहीं है तो ये टेस्ट में भी अच्छा नहीं होते. मोस्ट पीपल थिंक विंग्स आर जस्ट फॉर फ्लाइंग. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पंखों का काम सिर्फ उड़ने के लिए होता है. टेल देम अबाउट दीज अमेजिंग यूजेस. उनको इन बहुत ही अच्छे, अमेजिंग, अलग यूजेस के बारे में बताइए. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या यूजेस हैं? लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए, लाइक हनी बीज, और दूसरे इंसेक्ट से बचने के लिए, कुछ हाइडेंसी के लिए, जैसे छुप जाते हैं. ग्रीन इंसेक्ट होगा तो वो ग्रीन लिप में छुप जाएगा, दिखेगा नहीं. कुछ जो हैं वो पार्क्स में छुप जाते हैं कि दूसरा जो है खाने वाला इंसेक्ट या एनिमल उन्हें, बर्ड्स जो उन्हें देख नहीं पाते ईजिली.
तो पता चला आपको बहुत सारे यूजेस होते हैं विंग्स के, वो सिर्फ उड़ने के काम नहीं आते। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। प्लीज़ कमेंट बिलो फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।